नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ट्रू फैक्ट टीचिंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है होम्योपैथी के द्वारा बहरापन डीफनेस का इलाज, ट्रीटमेंट ऑफ डीफनेस बाय होम्योपैथी। सबसे पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना नहीं भूलें, जिससे कि हमारा अगला वीडियो आपको निवास से मिलता रहे। कृपया नोट करें, हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है। होम्योपैथी के द्वारा बहरापन डीफनेस का इलाज, वैसे तो जन्म से ही बहरेपन का कोई इलाज नहीं है, लेकिन अन्य कारणों से बहरेपन होने पर उसका इलाज किया जा सकता है। जो मनुष्य जन्म से ही बहरा होता है उसका उपचार करना मुश्किल होता है। बहरापन तीन प्रकार का होता है, कई प्रकार के रोगों के द्वारा पैदा हुआ बहरापन। जन्म से ही बहरापन होना, स्नायु क्रिया की गड़बड़ी, शारीरिक कमजोरी के कारण उत्पन्न बहरापन। बहरापन होने के कारण, बहरापन या ऊंचा सोने के कारण अनेक कारण हो सकते हैं। अचानक ऊंची आवाजें कान में पड़ने के कारण कान बंद हो जाना, माथे पर चोट लगना तथा कान में मैल जमा हो जाना, यह रोग अन्य कई कारणों से भी हो सकते हैं, जैसे कान का पकड़ा या किसी प्रकार की बीमारी होना आदि। खुनिन का अधिक मात्रा में सेवन के करने कारण भी बहरापन होते देखा गया है। इन सभी कारणों में रोगी बहरा हो सकता है या ऊंचा सुनने लगता है। विभिन्न प्रकार के लक्षणों के आधार पर होम्योपैथिक औषधियों की चिकित्सा, होम्योपैथिक औषधियों से बहरापन की चिकित्सा, जैसे शारीरिक कमजोरी से उत्पन्न बहरापन। यदि शारीरिक कमजोरी के कारण बहरेपन का लक्षण उत्पन्न हुआ हो तो उसको चिकित्सा करने के लिए फास्फोरस औषधि की तीन शक्ति की मात्रा का प्रयोग करना लाभदायक होता है। शारीरिक कमजोरी होने के कारण, शारीरिक कमजोरी होने के साथ साथ बहरापन स्नायु की वजह से हो तो उसे ठीक करने के लिए चीनी सर्फ औषधि की 3x मात्रा विचूर्ण का प्रयोग किया जाता है। शारीरिक कमजोरी के कारण बहरापन हुआ हो और उसके साथ ही रोगी का कलेजा धड़कता हो तो उसका उपचार करने के लिए पेट्रोल औषधि की 3x मात्रा या 800 औषधि की 3 शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। सर्दी लगने के कारण उत्पन्न बहरापन, यदि सर्दी लगने के कारण यह रोग हुआ हो और रोग नया हो तो उसकी चिकित्सा करने के लिए पल्स औषधि की 3 शक्ति की मात्रा का उपयोग करना लाभकारी होता है। सर्दी लगने के कारण उत्पन्न बहरापन का रोग पुराना हो गया हो तो कैलिहाइड्रो औषधि की 3x मात्रा का विचूर्ण या मर्क बाई औषधि की 6x मात्रा विचूर्ण का सेवन करना चाहिए। यदि बरसात की तर हवा लगने के कारण बहरापन का रोग हुआ हो तो रोग को ठीक करने के लिए डलका मारा औषधि की 6 शक्ति की मात्रा का उपयोग किया जाता है। ठंडी सूखी हवा लगने के कारण उत्पन्न बहरेपन की चिकित्सा करने के लिए एकोनाइट औषधि की 2x मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। ठंडी सूखी हवा लगने के कारण उत्पन्न बहरेपन के इलाज करने के लिए एकोनाइट औषधि की 2x मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। सर्दी लगकर बहरापन हो और बात करने के साथ साथ कम सुनाई दे रहा हो तो उसका उपचार करने के लिए ब्रैनिया औषधि का उपयोग कर सकते हैं। बुखार होने के कारण उत्पन्न बहरापन, बुखार के कारण उत्पन्न बहरेपन के साथ यदि सिर में चक्कर आ रहा हो, इस रोग को ठीक करने के लिए बेल औषधि की 3 शक्ति का प्रयोग लाभकारी होता है। शरीर में रक्तस्राव होने के कारण बुखार आकर बहरापन हो गया हो उसे दूर करने के लिए चाइना औषधि की 3x मात्रा या एसिड फास्क औषधि की उपयोग करना लाभदायक होता है। इस प्रकार के बहरेपन को ठीक करने के लिए पल्स औषधि की 6 शक्ति या सल्फ औषधि की 30 शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। त्वचा का कोई रोग दब जाने पर या कान का पीप निकलना बंद हो जाने के कारण उत्पन्न बहरापन, त्वचा का कोई रोग दब जाने पर या कान का पीप निकलना बंद हो जाने के कारण उत्पन्न बहरापन, इस प्रकार के लक्षण होने पर चिकित्सा करने के लिए सल्फर की 30 शक्ति, हीपर सल्फर की 6 शक्ति और ऑरम की 3x मात्रा या 200 शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। तालू मूल में जलन या उपचिन्ह फूलने के कारण बहरापन होना,
इस प्रकार के लक्षण होने के कारण उत्पन्न भारापन को दूर करने के लिए मर्क कोर की सिक्स शक्ति, मर्क बिन आयोड की 6x मात्रा और कैली हाइड्रो की 3x मात्रा या उसकी 30 शक्ति विचूर्ण या फिर बैटा कार्बोदे की 6 शक्ति का प्रयोग करना उचित होता है। मस्तिष्क में गहरी चोट लगने के कारण भारापन होना, इस प्रकार के लक्षण होने पर भारापन, इस प्रकार के लक्षण होने के कारण भारापन होने पर होने के साथ साथ कानों में सुरसुरी भी होने पर आर्निका औषधि की 3x मात्रा का उपयोग कर सकते हैं। मस्तिष्क में गहरी चोट लगने के कारण भारापन होना, इस प्रकार के लक्षण होने के कारण भारापन उत्पन्न होने के साथ ही कान में सुरसुरी होता है तो अर्णिका औषधि की 3x मात्रा का उपयोग आप कर सकते हैं, इससे रोग ठीक हो जाएगा। कानों में अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देना, इस प्रकार के लक्षण होने के कारण उत्पन्न बहरेपन तथा उसके साथ ही आवाजें कम सुनाई पड़ना, इस प्रकार के बहरेपन को दूर करने के लिए नक्स भूमिका की 3 शक्ति का सेवन करना लाभकारी रहता है। यदि इस प्रकार के लक्षण होने के साथ ही सुनने की शक्ति तेज हो तो नेट्रम सैलिसिलिकम औषधि की 3 शक्ति या इग्नेशिया औषधि की 6 शक्ति का प्रयोग करना लाभदायक होता है। बहरेपन होने के साथ ही कान में गढ़ी या बाई कर्णशूल ग्रंथियों में थोड़ा दर्द हो तो बैप्टीसिया औषधि की 2x मात्रा का सेवन करना उचित होता है। बहरेपन होने के साथ कान में गढ़ी या बाई कर्णमूल ग्रंथियों में थोड़ा दर्द हो तो बैप्टीसिया औषधि की 2x मात्रा का सेवन करना चाहिए। विभिन्न औषधियों से चिकित्सा, बहरेपन का चिकित्सा, बेरबैशकम, यदि बहरेपन के कारण ऐसा लग रहा हो कि कान बंद है तो मैंगनम औषधि की 6 शक्ति की मात्रा का उपयोग कर हर 4-4 घंटे का सेवन करना चाहिए। मर्कशॉल, मुख गहवर से मुख गहर से कान की तरफ जाने वाली नली बंद हो जाने से भरापन हो, मुख से कान की ओर जाने वाली नली में सूजन आ गई हो इसके कारण नली बंद हो जाती है जिसके कारण भरापन रोग हो जाता है, इस रोग को ठीक करने के लिए मर्कशॉल औषधि की 3 शक्ति हर 6 घंटे पर सेवन करना चाहिए। हाइड्रेस्टिस, यदि काली म्यूर या डालसिस औषधि का उपयोग करने पर कोई लाभ न मिले तो हाइड्रेस्टिस औषधि की 3-3 घंटे पर सेवन करनी चाहिए और इसे ही फायदा न होने पर मैजेरियम औषधि की 1 शक्ति प्रति 3 घंटे पर उपयोग करना चाहिए। कैली म्यूर बराबर होने पर इस औषधि की 6x मात्रा का प्रयोग हर 3-3 घंटे पर करना चाहिए, इससे किसी कारण से बंद कान खुल जाता है। इस प्रकार के लक्षण होने पर मर्क डायलिसिस औषधि का भी उपयोग कर सकते हैं। कैल्केरिया कार्ब, इस औषधि की मात्रा का उपयोग बच्चों के बहरेपन को दूर करने के लिए करते हैं। इसकी 1 मात्रा का उपयोग लगभग हर 8 घंटे पर करना चाहिए। ग्रेफाइटिस, इस रोग से पीड़ित रोगी को यदि स्वरयुक्त माहौल में ठीक सुनाई दे और बिना स्वर के सुनाई ना दे तो ग्रेफाइटिस औषधि की 3 शक्ति प्रति 8 घंटे पर उपयोग करना चाहिए। मैग्नेशिया, वृद्ध या अधेड़ उम्र के मनुष्य के बहरेपन को ठीक करने के लिए मैग्नेशिया औषधि की 200 शक्ति का सेवन करना लाभदायक रहता है। पल्सेटिला, खसरे या ठंड के कारण उत्पन्न बहरेपन को दूर करने के लिए इस औषधि की 30 शक्ति का सेवन करना काफी लाभदायक रहता है। कार्बोभेज, कान में मोम न होने के कारण उत्पन्न बहरापन या कान के खुश्की के कारण उत्पन्न बहरेपन को दूर करने के लिए इस औषधि की 30 शक्ति का सेवन करना उचित होता है। फास्फोरस, शरीर में कमजोरी या गंडमारा रोग के कारण उत्पन्न बहरापन रोग जिसमें रोगी को कई प्रकार की आवाज़ें सुनाई पड़ती है और किसी की बात को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाता है, कान में हमेशा एक तरह की आवाज़ें सुनाई पड़ती रहती हैं, इस प्रकार के लक्षणों में पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए फास्फोरस औषधि की 30 शक्ति का प्रयोग करना उचित होता है। एसिड फॉस, बहुत ज़्यादा वीर्य के नष्ट होने के कारण शरीर में ताकत कम होने की वजह से बहरेपन का रोग अगर हो गया हो तो एसिड फॉस औषधि की 6 शक्ति का सेवन करना लाभदायक रहता है। जिनिनम सल्फ,
यदि रस संचय होने के कारण सिर में दर्द, कान में एक तरह का शब्द सुनाई पड़ रहा हो और उसके साथ ही बाहरीपन के लक्षण दिखाई देते हो, उसकी चिकित्सा करने के लिए चिरिनम सल्फ और देखिए त्रिशक्ति का विचूर्ण की मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। मेजेरियम हाइड्रास्टिस औषधि के उससे उपचार करने पर कान के भारापन दूर न हो तो मेजेरियम औषधि की एक शक्ति हर 3 घंटे पर प्रयोग करना चाहिए। इलेप्स पुराना बहरेपन रोग होने के साथ ही कान से पीवी का स्राव हो रहा हो, पुराना बहरेपन होने के साथ ही कान से पीवी का स्राव हो रहा हो तो उसको उपचार करने के लिए इलेप्स औषधि की 3 शक्ति की मात्रा का उपयोग किया जाता है। अन्य उपचार बरापन होने की पहली अवस्था में मुलेन तेल की लगभग 4 बूंद की मात्रा दिन में 2 बार कान में डालें या रुई की कोई तेल में तर करके कान में रखें। स्नान करते समय कानों में पानी जाने से बचाना चाहिए। कभी कभी बच्चों के कान पर नहीं मारना चाहिए, बच्चों को कान पर नहीं मारना चाहिए क्योंकि चोट लग जाने के कारण यह रोग उसे भी हो सकता है। यदि कान में अधिक मैल जमा हो गया हो तो उसे निकाल देना चाहिए, पर मैल ध्यान से निकालना चाहिए। हम अपने अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण विषय पर महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।